स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक लोको नॉलेज में। आज बात करेंगे कन्वेंशन लोको के स्विच बोर्ड पैनल या टीवी पैनल में लगे सभी स्विचेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कन्वेंशन लोको का स्विच बोर्ड पैनल है जो कि कैप 2 में लगा हुआ रहता है, और इसमें अलग अलग तरह के ऑक्सिलरीज के कंट्रोलिंग स्विच लगे हुए हैं, जिसकी डिटेल में जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ ऊपर की तरफ देखेंगे तो LECC फ्यूज टेस्ट के लिए लैंप लगा हुआ है। LECC लैंप लगा हुआ है। फ्यूज टेस्ट करने पर अगर फ्यूज सही है तो ये लैंप चलने लगता है। और फ्यूज टेस्ट का सॉकेट आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लगा हुआ है। यहाँ पे आप फ्यूज इस तरह से लगाएंगे, देखिए लगाएंगे, फ्यूज सही होने पर वो लैंप जलने लगेगा। देख सकते हैं आप, ये लैंप जल रहा है LECC, और फ्यूज सही नहीं होगा तो ये लैंप नहीं चलेगा। और LECC लैंप के जस्ट पास में ये जुबा स्विच लगा हुआ है, जो कि बैटरी वोल्टेज चेक करने के लिए ये स्विच लगाया हुआ है। ऑन और ऑफ दो पोजिशन है इसकी। देखिए इसको ये ऑन करेंगे तो यहाँ ये UBA मीटर है, ये UBA मीटर में आपको बैटरी वोल्टेज दिखाने लगेगा। और उसके यहाँ पे देखिए, उसके पास में HVCD स्विच लगा हुआ है, जिसकी दो पोजीशन है, 0 और 1। 1 पे VCD नॉर्मल वर्किंग में रहेगी, और किसी कारण से अगर VCD आइसोलेट करना होती है तो इसको 0 पे रखेंगे तो VCD आइसोलेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं RTIS की MCB लगी हुई है, ठीक है, ये नॉर्मली ऑन कंडीशन में ही रहनी चाहिए। और उसके जस्ट पास में HBA बैटरी ऑन करने के लिए ये HBA स्विच लगा हुआ है, दो पोजीशन है, 0 और 1। 1 पे बैटरी ऑन रहेगी। उसके जस्ट पास में HPH स्विच लगा हुआ है, MPH का कंट्रोलिंग स्विच लगा हुआ है HPH, जिसकी चार पोजीशन होती है, 0, 1, 2 और 3। 0 पोजीशन पे आपके MPH और QPH दोनों आइसोलेट हो जाएंगे, 1 पोजीशन पे MPH और QPH दोनों वर्किंग में रहेंगे, 2 पोजीशन पे MPH की मोटर आइसोलेट हो जाएगी, रिले वर्किंग में रहेगी, और 3 पोजीशन पे QPH रिले आइसोलेट हो जाएगी और मोटर MPH की वर्किंग में रहेगी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं HVRS स्विच लगा हुआ है, जिसकी 4 पोजीशन होती है। MVRS का कंट्रोलिंग स्विच है ये, इसकी 4 पोजीशन है, 0, 1, 2 और 3। वही MPH की तरह इसमें भी 0 पर MVRS और QVRH जो है आइसोलेट हो जाएगी, और 1 पर आपका MVRH और QVRH दोनों वर्किंग में, 2 पोजीशन पर आपकी MVRH मोटर आइसोलेट हो जाएगी, और 3 पोजीशन पर आपकी QVRH रिले आइसोलेट हो जाएगी और मोटर सर्विस में रहेगी। उसके जस्ट पास में ये HCP स्विच है। HCP स्विच मतलब मेन कंप्रेसर का सिलेक्टर स्विच है ये। इसकी 8 पोजीशन होती है टोटल, देख सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 और 1, 2, 3। जिस भी पोजीशन पे ये स्विच रखेंगे वो संबंधित कंप्रेसर चलेंगे। जैसे मान लीजिए ये अभी 1 और 2 पे रखा हुआ है तो 1 और 2 नंबर के कंप्रेसर चलेंगे, और अगर 1 और 3 पे रखा रहेगा तो 1 और 3 के कंप्रेसर चलेंगे। इसी तरह से जिस पोजीशन पे भी ये स्विच रखा रहेगा वो संबंधित कंप्रेसर चलेंगे। उसके बाद HRAVT स्विच लगा हुआ है, जो कि कैब फैन और कैब हीटर के लिए ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है। इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं, 0, 1, 2 और 3 पोजीशन है। उसके बाद में HVSL 1, MVSL 1 का कंट्रोलिंग स्विच है, इसकी भी 4 पोजीशन होती है, 0, 1, 2 और 3। अब इसका जो पोजीशन MVRH की हमने आपको बताई थी उसी तरह से ये भी वर्क करेगा, ठीक है। HPAR स्विच की 2 पोजीशन होती है, ये Q51 रिले को बायपास करने के लिए स्विच लगाया हुआ होता है। माइक्रोप्रोसेसर लोको है तो उसमें ये HPAR स्विच Q51 रिले को बायपास करने के लिए लगाया होता है। 1 पोजीशन पे नॉर्मली Q51 नॉर्मल कंडीशन में रहेगी, और अगर Q51 को बायपास करना होता है तो इसको 0 में रखेंगे तो Q51 बायपास हो जाती है। HPR स्विच के जस्ट पास में HVSL2 स्विच लगा हुआ होता है, जो कि MVSL2 का कंट्रोलिंग स्विच है। इसकी भी 4 पोजीशन होती है, 0, 1, 2 और 3।
ये भी सेम उसी तरह से काम करता है जैसे हमने आपको HPH और HVRS स्विच के बारे में बताया। जीरो पर आपका MVSL 2 और QVSL 2 रिले आइसोलेट हो जाएगी और एक पे MVSL 2 और QVSL 2 रिले वर्किंग में रहेंगे और दो पर MVSL 2 मोटर आइसोलेट हो जाएगी, रिले वर्किंग में रहेगी उसकी, और तीन पर QVSL 2 रिले आइसोलेट हो जाएगी और MVSL 2 मोटर वर्किंग में रहेगी। उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं HVMT1 जो कि MVMT1 का कंट्रोलिंग स्विच है, इसकी भी चार पोजीशन होती है 0, 1, 2, 3। ये भी उसी तरह से काम करता है जैसे कि हमने आपको HVSL 2 स्विच बताया है। उसके पास में ये UBA मीटर लगा हुआ है बैटरी वोल्टेज चेक करने के लिए, ये UBA मीटर लगा है। HVMT स्विच MVMT2 का कंट्रोलिंग स्विच है, इसकी भी चार पोजीशन है 0, 1, 2 और 3। ये भी स्विच उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमने पहले आपको बाकी स्विचेस बताए हैं। उसके जस्ट पास में यहाँ HMCS1, ठीक है, मोटर आइसोलेटिंग के लिए स्विच है। RSI ब्लॉक 1 से जो भी मोटर चलती है TM123 उसके लिए ये आइसोलेटिंग स्विच है। इसकी भी चार पोजीशन है 0, 1, 2, 3 और 4। एक पे TM123 वर्किंग में रहेंगी, अगर इस स्विच को दो पे हम रखेंगे तो TM1 आइसोलेट हो जाएगी, तीन पे रखेंगे तो TM2 आइसोलेट होगी और चार पे रखेंगे तो TM3 आइसोलेट होगी। HSIV स्विच लगा हुआ है, क्योंकि ये SI यूनिट वाला लोको है इसमें SI यूनिट लगा है इसलिए इसमें ये स्विच लगा हुआ रहेगा। अगर आरनो वाला लोको रहेगा तो उसमें HQCVAR स्विच लगा हुआ रहता है। इस स्विच की दो पोजीशन रहती है 0 और 1। 1 पे ये नॉर्मल कंडीशन में रहता है, लेकिन किसी कारणवश अगर SI यूनिट में कुछ इंटरनल फॉल्ट आता है तो इस स्विच को 0 पर रखकर हम केवल सेक्शन क्लियर कर सकते हैं। इस स्विच के जस्ट पास में HMCS2 स्विच लगा हो रहता है जो कि RSI ब्लॉक 2 में जो भी मोटर रहती है TM456 उनका आइसोलेटिंग स्विच है। इसकी चार पोजीशन है 1, 2, 3 और 4। एक पे TM456 सर्विस में रहेंगी, अगर इस स्विच को दो पे रखेंगे तो TM4 आइसोलेट हो जाएगी और इस स्विच को तीन पे रखेंगे तो TM5 आइसोलेट होगी और स्विच को चार पे रखेंगे तो TM6 आइसोलेट हो जाएगी। तो आज हमने आपको कन्वेंशनल लोको के स्विच बोर्ड पैनल में लगे सभी स्विचेस के बारे में जानकारी दी है। और ये सभी स्विचेस आप देख सकते हैं इनकी नॉर्मल पोजीशन, एक पर ये रहेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन में है।